الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة العنكبوت आयत नंबर 1, 2, 3, 4 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون اختبار المؤمنين حتى يعرف الصادق من الكاذب سورة العنكبوت وهي مكية। नाज़रीन इकराम, आज से हम सूरह अनकबूत शुरू कर रहे हैं जो मक्के में नाजिल हुई है। इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत की जो है मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर होगी। अलिफ लाम मीम, जैसा कि हम पहले भी कहे थे कि ये बाद सूरों के इब्तिदा में जो हुरूफ होते हैं जो अलग अलग पढ़े जाते हैं उसे हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं, जिसके कोई माने नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ना बताया है और उसको अलग अलग पढ़ते हैं जिसके कोई माने नहीं होते। दूसरी आयत है अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो यूँ ही छोड़ दिए जाएंगे। अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून, कलमा पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब पढ़ता है आदमी, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार और तमाम इलाह की नफ़ी जब करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, तो अल्लाह ताला इसके बाद उनका इम्तिहान भी लेते हैं क्या ये अपने कहने में सच्चा है नहीं, ताकि अल्लाह ताला को मालूम हो जाए कि सच्चे कौन है झूठा कौन है। अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम है, लेकिन हुज्जत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला बताते हैं कि हम तुम्हारे ईमान लाने के बाद हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, ज़रूर फितनों में डालकर तुमको खरा खोटा सच्चा और झूठा तमाम को अलग अलग कर देंगे। अहसिबन्नासु यतरकू यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बस तहक़ीक़ के हमने तुमसे पहले जितने भी लोग आए थे, अम्बिया, रसूल, नबीन, सिद्दीकीन, तमाम को हमने इम्तिहान में डाला है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल्काज़िबीन, और ताकि हम जान लें कि तुम में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अम हसिबल्लज़ीना यअमलूनस्सय्यिआति, क्या लोगों ने ये समझ रखा है, ये हिसाब कर लिया है जो जिन लोगों ने शिरक करते हैं, जो लोग शिरक करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, या अमल सयादी अन यसबिकूना सामा यहकुमून, क्या हमारी सल्तनत से दूर हो जाएंगे, हमारे दस्तरस से आगे निकल जाएंगे, हमारी काबू, हमारी पकड़ से बच जाएंगे। नहीं, ये बड़ा गलत गुमान करते हैं लोग। नाजरीन, ये मालूम हुआ कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, तौहीद का इकरार करने के बाद, उसमें तौहीद मुवाहिद अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए आमाल से, जवारह से, ज़बान से, हाथ से, पैर से, इसके लिए काम करना पड़ता है। अल्लाह ताला पाँच वक़्त बुलाते हैं मसाजिद को, आओ नमाज के लिए, आओ फलाह के लिए, आओ भलाई के लिए, तुम्हारी अपनी भलाई के लिए। अगर कोई इसमें खरा खोटा अपने आप को ज़ाहिर करना है, खरा और खोटा, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, हज करें, लोगों के साथ अखलाक़ हसना से पेश आएँ। ये तमाम दीन के काम जो है ना, अपने जवारह से करना ज़रूरी है। अगर ये आदमी कोई नहीं करता, सिर्फ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है और ये तमाम जवारह से, हाथ पैर से अपनी गवाही नहीं देता अपने काम की, तो उसका ईमान बेकार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झूठा और सच्चा हम, ताकि हम देख लें कि तुम में से कौन झूठा है कौन सच्चा है। नाज़रीन इकराम, हमें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्चों में शामिल फरमा और हमारी तौहीद को कबूल फरमा और तहक़ीक़ तौहीद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें फिरदौसुल आला में अंबिया सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन के साथ जगह दे। हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और सही राह पर तब्लीग़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।